घर में लगी आग में खत्म हो गया परिवार। पति पत्नी सहित 28 दिन की बच्ची जिंदा जलकर मरी। हरदोई से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। हरदोई के बेलग्राम कोतवाली क्षेत्र में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग में दंपति और उनकी 28 दिन की बच्ची की जलकर मौत हो गई। हादसे के दौरान मासूम बालिका की मौत हो गई, जबकि माता पिता पूरी तरह से जल गए, जिन्हें इलाज के दौरान लखनऊ में दम तोड़ दिया। आग की लपटें देख लोगों में हड़कंप मच गया। घर के अंदर 25 वर्षीय विमलेश और उसकी 22 वर्षीय पत्नी पुष्पा और मात्र 28 दिन की बेटी सो रही थी। आग लगने की सूचना पर ग्रामीणों और पुलिस ने पति पत्नी को किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन बच्ची की जलकर मौके पर मौत हो गई। नवभारत समाचार उत्तर प्रदेश हरदोई से अमित कुमार राठौर की रिपोर्ट। ग्राम कटारपुर में आग लगने का क्या मामला है? आज 21/22 की रात्रि ग्राम कटारपुर थाना बिलग्राम में विमलेश पुत्र सुविधार यादव और उनकी पत्नी पुष्पा यादव अपनी एक माह की बच्ची के साथ कमरे में सो रहे थे। अचानक कमरे में आग लग गई, जिससे विमलेश व उनकी पत्नी पुष्पा जलने से गंभीर रूप से जल गए। वहां उनकी पुत्री जलने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तत्काल विमलेश और उनकी पत्नी पुष्पा को इलाज के लिए जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया। वहां से इलाज हेतु हायर सेंटर लखनऊ रेफर हो गए। उनकी पुत्री का मौके पर ही पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए शव को भेजा गया। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है, फिर भी आग लगने के अन्य कारणों की जांच की जा रही है।